हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है रेडमी 6। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रेडमी 6 का मदरबोर्ड चेंज करने वाले हैं। ये हमारे पास इसका न्यू मदरबोर्ड है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को भी रेडमी 6 का मदरबोर्ड चाहिए तो ये अवेलेबल है हमारे पास। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके मदरबोर्ड की प्राइस की, और जो इसका मदरबोर्ड है दोस्तों वो कैसे ख़राब हुआ साथ में, ये बात भी करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसके प्राइस के बारे में जानेंगे, और आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं रेडमी 6 का मदरबोर्ड ये भी जानेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बनाना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप किस तरीके से बहुत आसानी से मदरबोर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी डेड मदरबोर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मदरबोर्ड से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमने फ़ोन ओपन कर लिया है। दोस्तों एक बात और, जैसे ही हमारे पास मदरबोर्ड का स्टॉक आता है हम वीडियो बना लेते हैं तुरंत। तो अगर आपको दोस्तों कोई और मदरबोर्ड चाहिए इसके अलावा, तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने मदरबोर्ड भी बाहर निकाल दिया है। आपको सिर्फ डिस्प्ले कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर और जो चार्जिंग सेक्शन का कनेक्टर है वो आपको पहले निकालना है, उसके बाद आप आसानी से मदरबोर्ड बाहर निकल जाएगा। ये देख लीजिए इसका जो मदरबोर्ड है। तो जिन कस्टमर का दोस्तों ये मदरबोर्ड है, उनका कहना है कि ये पानी में चला गया था फ़ोन, तो उसकी वजह से वाटर डैमेज हो गया था, इन्होंने कहीं और दिखाया था पहले। तो ये मदरबोर्ड डेड हो चुका था पानी में गिरने से, वाटर डैमेज के कारण। तो ये हमने इसमें न्यू मदरबोर्ड लगा लिया है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा इसमें दोस्तों। इसमें थोड़ा सा काम और करना है, इसमें जो टच है इसकी वो भी चेंज करनी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मदरबोर्ड ही चेंज करेंगे। तो ये हमने दोस्तों देख लीजिए मदरबोर्ड फिट कर लिया है। एक बात और दोस्तों, आप रेडमी 6 का मदरबोर्ड 6A में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास Redmi 6 का मदरबोर्ड हो या फिर 6A का मदरबोर्ड हो, वो आपस में लग जाते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने मदरबोर्ड इसमें फिट कर दिया है, और हम इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको। तो ये कनेक्टर लगाने हैं आपको, तो देखते हैं ऑन करके इसे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोन का। सिर्फ आपको मदरबोर्ड, डेड मदरबोर्ड जो है वो आपको बाहर निकालना है, कुछ कनेक्टर होते हैं वो आपको बाहर हटाने हैं मदरबोर्ड से, तो आसानी से मदरबोर्ड बाहर निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड है, जो पुराना मदरबोर्ड था इसमें, वो वाटर डैमेज के कारण डेड हो चुका था। तो हमने इसमें न्यू मदरबोर्ड लगा दिया, ये वर्किंग कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है, पूरा वर्किंग है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों जो रेडमी 6 के मदरबोर्ड का प्राइस रहेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 2500 रुपये में, 100% ओरिजिनल, 100% वर्किंग फ्रेश बोर्ड मिल जाएगा आपको 2500 रुपये में। तो आप बाय कर सकते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो मदरबोर्ड, और किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं ये आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। तो और प्राइस भी आपको बता दिया है, तो आप इस तरीके से मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर आपको इसके अलावा कोई और मदरबोर्ड चाहिए, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।